Okay, so this is Micromax in 2B. वैसे काफ़ी सारे लोगों ने मेरे चैनल पे आकर के ये कमेंट किया है कि शाहरुख भाई आप कभी भी इंडियन ब्रांड को प्रमोट ही नहीं करते हमेशा सिर्फ और सिर्फ चाइनीज ब्रांड्स के स्मार्टफोन को आप बाई करते हो तो फाइनली दोस्तों ये रहा माइक्रोमैक्स इन टू जो कि एक आठ हज़ार का डिवाइस है एंड इस प्राइस रेंज में ये आपको प्रोवाइड करता है चार रैम और चौंसठ जी की स्टोरेज किसी भी चाइनीज ब्रांड से ज़्यादा जी हाँ इतना हाई स्टोरेज एंड इतना ज़्यादा हाई रैम वाला डिवाइस इस प्राइस रेंज में काफ़ी कम काफ़ी कम ब्रांड्स के तरफ से देखने को मिलते हैं एंड यहाँ पे माइक्रोमैक्स ने कर दिखाया है लेकिन क्या इस यूएसपी के अलावा और कुछ है इस डिवाइस में क्या ये डिवाइस अच्छा है या नहीं है चलिए आज इस अनबॉक्सिंग वीडियो में थोड़ा सा इसका क्विक रिव्यू जान लेते हैं लेकिन सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए बेलकन वाली जो वरना पैसे से जबरदस्त वीडियो को मिस कर जाएंगे It's a game. It's a तो सबसे पहले आपको इसके बॉक्स पैक में स्मार्टफोन मिल जाएगा अभी के लिए इसे साइड में रखते हैं एंड उसके बाद हमें मिलता है एक सिम ट्रे इजेक्टर टूल ये काफी ज्यादा यूनिक शेप का है ये मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा उसके बाद आपको इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है एंड फिर आपको यहाँ पे कुछ वारंटी के इन्फॉमेसन मिल जाते हैं उसके बाद आपको इस केस में एक ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टर भी दिया गया है जो कि स्क्रीन गार्ड है बेसिकली एंड एक ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन कवर भी दिया गया है जो कि अच्छी क्वालिटी का मुझे लगा है लेकिन मुझे इसका चार्जर और इसका केबल उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं लगा ये दोनों के दोनों बहुत ही चीप लगते हैं चार्जर तो दस वाट का है लेकिन फिर भी दोस्तों ऐसा फील होता है जैसे किसी लोकल मार्केट से इन्होंने उठा लिया हो तो ये मुझे पसंद नहीं आया है। लेकिन अगर बात कर ले इस फ़ोन में ये कवर कैसा लगता है तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये ये फिट फिट हो जाता है एंड होने के बाद हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से ये प्रोटेक्ट करता है एंड फोन को जरा सा भी बल्की होने नहीं देता है हाँ हल्का सा मोटा तो लगेगा लेकिन उतना भी ज़्यादा बल्की या भारी नहीं होने देता है तो ये काफी ज्यादा अच्छी बात है तो कवर मुझे पसंद आया बट कैसा लगा मुझे ये फ़ोन चलिए बात कर लेते हैं <laughs> तो भैया ये है माइक्रोमैक्स इन टू बी अनबॉक्सिंग देख लिए ना अब चलिए देसी फोन है तो थोड़ा देसी स्टाइल में है इसके बारे में बात कर ही लेते हैं तो सबसे पहला चीज़ इसका जो डिस्प्ले है अभी दिख का ही नहीं रहा अच्छा चश्मा लगा है एक मिनट हाँ तो इसका जो डिस्प्ले है वो बहुत ही अच्छा हमको लगा है मतलब यह एक 6.5 इंचेस का डिस्प्ले है एच प्लस का रेजोल्यूशन है इस प्राइस रेंज में एच ही मिलेगा हर जगह आप फुल एच फुल एच चिल्लाते मत रहिएगा ठीक है उसके अलावा आपको यहाँ पे मिलता है एक वाटर ड्रॉप नॉच हाँ हम समझते हैं आजकल पंच होल का ज़माना है पर इस प्राइस रेंज में अगेन चिल्लाइएगा मत बहुत अच्छा है वाटर ड्रॉप नॉच हमेशा आपको पंचुल नहीं मिलेगा उसके अलावा आपको ये जो एच प्लस का डिस्प्ले है ये काफ़ी ज़्यादा ब्राइट भी है चार सौ का ब्राइटनेस है एंड कोई और, को और ब्रांड मैंशन भी नहीं करता है कि कितना नीट्स का ब्राइटनेस है तो ये हमको काफ़ी ज़्यादा ब्राइट लगा है हाँ हम य नहीं कहेंगे कि सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट है ये नहीं कहेंगे कि सारे चार सौ नीट्स पाँच है ऐसा कुछ नहीं है चार सौ नीट्स है अच्छा है इंडोर के लिए ठीक है अगर आप जाएंगे आउटडोर बाहर में तो ज़्यादा धूप में फ़ोन चलाए का जरूरत नहीं है गरम वरम हाथ जब हो जाएगा हाथ में फट उड़ जाएगा मर जाइएगा समझ रहे हैं ना ठीक है 400 सौ बहुत है धूप में चश्मा लगा लीजिएगा लेकिन एक बात कहेंगे इस डिस्प्ले के बारे में एक चीज है जो कि हमको पसंद नहीं आया एंड वो है कि यह एक टू पॉइंट फाइव डी कव वाला डिस्प्ले नहीं है यह पूरा का पूरा फ्लैट डिस्प्ले दिया गया भैया अब फ्लैट डिस्प्ले का प्रॉब्लम क्या है ना कि अगर हम उंगलिया को इधर से स्वाइप करते हैं क्योंकि हमको जेस्चर पसंद आता है अब जेस्चर यूज करते हैं तो बैक करने के लिए इधर से स्वाइप करते हैं तो चुभता है इसका कॉर्नर थोड़ा भी कर्व नहीं है तो माइक्रोमैक्स को चाहिए था कि थोड़ा कर्व बनाए ताकि वो जो चाइनीज ससुर है ना वो उस सब जाकर के इसमें जो है टू पॉइंट फाइव डी कव डिस्प्ले देता है इस प्राइस रेंज में

एंड यहाँ पे एक फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको दिया गया इस प्राइस रेंज में जी हाँ कोई कमी नहीं छोड़ा है नीचे में आपको इनका लोगो है लेकिन एक कमी हमको लगा यहाँ पे वो यही है कि यहाँ पे आप देखेंगे ना तो बैक में आपको स्पीकर मिलता है मतलब यही काम 2015-16 में हुआ करता था माइक्रोमैक्स बैक में कह दिए नीचे दे देते दे तो थोड़ा अच्छा रहता फ्लैट सल्फिट का आवाज़ दब जाता है माइक्रोमैक्स समझ में नहीं करते हैं बात को नीचे के साइड में आपको 3.5 पॉइंट mm जैक भी मिल जाता है ये तो आजकल एप्पल में भी नहीं मिलता है देख रहा है माइक्रोमैक्स इज द बेस्ट देसी है भैया ईयरफोन जैक मिल रहा है आपको उसके अलावा यहाँ पे एक माइक्रोफोन का पोर्ट मिल जाता है और एक यू सी पोर्ट है अरे भैया हमको लगा था कि इसमें माइक्रो यूज होगा यूएस दे दिया इन्होंने जबरदस्त बात है ऊपर के साइड में कुछ भी नहीं है तो थोड़ा आयर ब्लास्टर वगैरह लेकर के आते तो मजे आ जाता बट कोई बात नहीं है चलेगा एंड दाहिने साइड में आपको मिलता है यहाँ पे एक पावर बटन वॉल्यूम रॉकर और बाएं साइड में आपको मिलता है एक सिम ट्रे जो कि डेडिकेटेड सिम ट्रे है मतलब दो गो सिम भी लगेगा इसमें लेकिन उसके साथ साथ माइक्रो एस कार्ड भी लगा सकते हैं दो सौ छप्पन जीबी पांच आपकी मर्जी जितना मन लगा दो सही में तो ये बहुत ही सही चीज़ लगा तो ओवरऑल जो हाथ में पकड़ते हैं ना तो बहुत ही अच्छा हमको फील होता है मतलब लगता नहीं है कि सात आठ हजार का ये फोन ने एंड uh, सही में अच्छा लगता है कंफर्टेबल लगता है थोड़ा सा बड़ा है इमरजेंसी नंबर डाइल हो गया भैया ले कैसे डाइल हो गया अल्लाह गर्मी लग रहा थमसम में वो बात कहाँ पान खा के थूक देते तो ज़्यादा एनर्जी आ जाता सो so, ओवरऑल दोस्तों ये जो फ़ोन है मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है एंड अपने प्राइस को जस्टिफाई कर रहा है अब कुछ और चीज़ों के बारे में बता दूं तो इसमें आपको प्योरली स्टॉक एंड्रॉयड मिलता है एंड जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम सेटअप किया तो सिर्फ और सिर्फ गूगल का स्क्रीन था सेटअप करने के लिए उसके अलावा इनका अपना सेटअप कुछ भी नहीं था मतलब माइक्रो मैक्स का अपना सेटअप नहीं था जैसे शॉमी वाले अपना सेटअप देते हैं वन यू वाई वाला अपना सेटअप देते हैं उसमें ब्लोड भर देते हैं ऐसा कुछ भी नहीं था बहुत ही क्लीन एंड पूरा का पूरा क्लियर सेटअप था एंड ऑन होने के बाद भी इसमें मुझे कोई भी

जीए में आता है एंड जो मीडिया टेको जीएटी वाले नौ दस हजार रुपए से स्टार्ट होते हैं तो ये काफी ज्यादा हीलियो ओवरऑलियो से है एंड जो ब्रांड्स इस प्राइस रेंज में हीलियो यूज करते हैं मुझे उससे तो ये प्रोसेसर बेटर लगा है इन टर्म्स ऑफ बेंच मार्क या फिर इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस जी हाँ जी ए टी से बेटर नहीं बट जी थर्टी फाइव से तो डेफिनेटली मुझे ये बेटर लगा है जितने दिन मैंने इसे, इसे इस्तेमाल किया है बहुत ही स्मूथ काम करता है हाँ यू आई में थोड़े बहुत जीटर्स वगैरह आप देख पाएंगे क्योंकि इस इतने कम प्राइस वाले आ, प्रोसेसर में

एंड्रॉइड माननी पड़ेगी लेकिन दोस्तों परफॉर्मेंस के मामले में तो काफी ज्यादा मुझे अब तक पसंद आया है बट इसका जो कैमराज है ना वो मुझे मतलब बहुत ही बकवास लगे हैं बिल्कुल क्लियर कट में बोलना चाहूंगा कोई हेट वगैरह नहीं है बट स्टिल जो बैक कैमरा है दोस्तों वो ठीक है एवरेज है मतलब मैं कहूंगा कि इस प्राइस रेंज में अगर आप चाइनीज ब्रांड्स लेते हो तो ज्यादा अच्छी कैमरा आपको देखने को मिल जाएगी इसके कैमरा में बहुत ज्यादा फंक्शन वगैरह भी आपको देखने को नहीं मिलता है प्रो मोड भी दिया है यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड भी दिया है ये सब कुछ दिया है बट स्टिल जो रिज़ल्ट आपको देखने को मिलती है इसकी कैमरा से वो बहुत ही बिलो एवरेज यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलती है ओवरऑल इस प्राइस में बहुत ज़्यादा मैं इसकी शिकायत भी नहीं कहूँगा मैं कहूँगा कि चलो ठीक है एक एवरेज कैमरा ये लोग यहाँ पे दे रहे हैं आपको एंड पता नहीं ड्यूल कैमरा का क्या काम है बट स्टिल कुछ तो है <laughs> एक और चीज़ दोस्तों मैं कहूंगा क्योंकि ये यूनिसॉक का प्रोसेसर है तो इसमें आपको कैमरा टू एपीआई वगैरह का सपोर्ट नहीं मिलता है जिसकी वजह से गूगल कैमरा बिल्कुल भी इसमें काम वगैरह नहीं करता है तो प्लीज़ उसके बारे में सोचिएगा नहीं एंड जो फ्रंट कैमरा दोस्तों क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ पाँच मेगा है तो बकवास है भाई इसका जो फ्रंट कैमरा है वो बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है एंड ओवरऑल वीडियो कॉलिंग वगैरह करना चाहते हो तो ठीक है बट हाँ इंस्टाग्राम वगैरह पे डालना चाहते हैं तो नहीं भैया कुछ खास ये पाँच मेगा का कैमरा नहीं है एक और चीज़ है दोस्तों जो कि इसके स्पीकर वो मुझे बहुत ही मतलब कि मीडियो कोर लेवल का लगा बैक में है उससे आवाज़ तो दबता ही है लेकिन साथ ही साथ जो स्पीकर का वॉल्यूम है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है लाउडनेस भी बहुत ही ज़्यादा नहीं है इस वजह से मैं कहूंगा कि एक अच्छा स्पीकर यूनिट एरिया इसमें होना चाहिए था लेकिन एक चीज़ मुझे पसंद आई एंड वो है इसका बैटरी पाँच हज़ार का जो बैटरी मिलता है वो बहुत ही अच्छे से लॉन्ग लास्टिंग है एंड एक और चीज़ मैंने नोटिस की कि बाकी ब्रांड्स की तरह ओवर नाइट ड्रेनिंग इसमें बिल्कुल भी नहीं होता मतलब मेरे पास जब से ये फोन आया तीन चार दिन हो गए हैं एंड अभी तक मैंने इसे चार्ज नहीं किया जब फोन आया तो फोर्टी के आसपास चार्ज थी एंड ये अभी भी 20% के आसपास चार्ज है मतलब मैंने थोड़ा ही बहुत यूज़ किया है बट ओवरनाइट ड्रेन होकर ये कभी खत्म नहीं हुआ है तो ये मानना पड़ेगा कि काफ़ी ज़्यादा स्टेबल बैटरी इन्होंने इसमें प्रोवाइड किया है तो बाकी के लिए दोस्तों आज का ये क्विक रिव्यू का या फिर आप कह सकते हैं कि सिर्फ सिर्फ अनबॉक्सिंग और इनिशियल इंप्रेशन का वीडियो था जिसके बारे में हमने बात किया माइक्रोमैक्स इन टू के बारे में मैं इसे कुछ दिन और यूज़ करके इसका फुल रिव्यू देने की कोशिश करूंगा और आपको बताना चाहूँगा कि आप बाई कर सकते हैं या नहीं बट फर्स्ट व्यू में मैं इतना कहूँगा कि अगर आपको अपने डैड वगैरह को कोई फ़ोन देना है मॉम को कोई फ़ोन गिफ्ट करना है दिस सिम्स परफेक्ट भाई बहुत ही सही लगता है बिकॉज चार जी बी रैम और चौंसठ जी बी स्टोरेज ये काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है आ, इस सदी में एंड इस प्राइस रेंज में थैंक यू दोस्तों बाय बाय